आपने जो सवाल उठाया ना, इसके बदले में मेरे पास भी एक सवाल है। हो सकता है कि थोड़ा कड़वा हो, लेकिन पहले इम्तियाज साहब बात कर लें तो फिर उस पर हम आगे चलेंगे। इम्तियाज नहीं, आप कड़वा सवाल कर लीजिए, मैं उसी का जवाब दे दूंगा। साहब, फिर कड़वा सवाल ये है कि रियासत की कोई एक पॉलिसी तो होनी चाहिए ना। वो रियासत की पॉलिसी कराची के लिए अलहदा हो, बलोचिस्तान के लिए अलहदा हो और फाटा के लिए अलहदा हो, ये तो फिर आप एक तफरीक पैदा कर रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि एहसानुल्लाह एहसान की तरह कल जो अगर अल्ताफ हुसैन साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये गलती हुई, तो फिर आप उनको भी माफ कर दें, फिर ये कैसे हो सकता है कि बलूचिस्तान के जो फरारी कैंप में लोग हथियार डाल रहे हो उनको आप माफ कर रहे हो, फाटा के इलाके के अंदर जो लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर उनको आप माफ कर रहे हो, और कराची में 20-20 साल पुराने केसेस के अंदर कोई जलाओ घेराव का केस हो या एक कोई सिंगल मर्डर का केस हो उसके ऊपर आप लोगों के घरों पे छापे मारकर उनको गिरफ्तार कर रहे हो और उनको आप माफी देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ये बात कुछ हजम नहीं होती है।